नमस्कार, पंजाब टुडे टीवी पर आपका स्वागत है। पेश हैं आज के मुख्य समाचार। लाल किले के प्राचीर से प्रधानमंत्री ने किया नेशनल डिजिटल हेल्थ योजना का ऐलान। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वतंत्रता दिवस के मौके पर देश को एक तोहफा देते हुए लाल किले के प्राचीर से नेशनल डिजिटल हेल्थ मिशन की शुरुआत की। पीएम मोदी ने बताया कि इस योजना के तहत हर भारतवासी को अपना एक यूनिक आइडेंटिटी नंबर होगा। इस नंबर के अंतर्गत आपके स्वास्थ्य से जुड़ी सभी जानकारियां इसमें शामिल रहेंगी। उन्होंने बताया कि इस योजना से हर देशवासी को एक तरह की सुरक्षा मुहैया करवाई जाएगी। उन्होंने बताया कि इस मिशन के अंतर्गत पर्सनल मेडिकल रिकॉर्ड और जांच सेंटर जैसे संस्थानों को एक ही डिजिटल प्लेटफॉर्म के अंदर लेकर आया जाएगा। उन्होंने कहा, ऐसा इसलिए किया जा रहा है ताकि दूर दराज के इलाकों में रहने वाले लोगों तक चिकित्सा सुविधाएं पहुंचाई जा सके। कोरोना वैक्सीन के उत्पादन की तैयारी। तीन वैक्सीन इस समय टेस्टिंग के चरण में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लाल किले के प्राचीर से देश से एक बड़ी जानकारी साझा की है। उन्होंने बताया कि आज भारत में कोरोना की एक नहीं, दो नहीं, तीन वैक्सीन इस समय टेस्टिंग के चरण में है। जैसे ही वैज्ञानिकों से हरी झंडी मिलेगी, देश की तैयारी उन वैक्सीन की बड़े पैमाने पर उत्पादन की है। लाल किले पर झंडा फहराने के बाद प्रधानमंत्री मोदी ने कोरोना संक्रमण का जिक्र करते हुए कहा था कि जब कोरोना शुरू हुआ था तब हमारे देश में कोरोना टेस्टिंग के लिए सिर्फ एक लैब थी और आज देश में 1400 से ज्यादा लैब हैं। पंजाब सरकार को एक्सपर्ट्स ने दी रिपोर्ट। मुख्यमंत्री ने कहा, हम नहीं मानेंगे ये सुझाव। पंजाब सरकार ने कुछ समय पहले प्रसिद्ध अर्थशास्त्री मनटेक सिंह अहलूवालिया की अध्यक्षता वाली एक्सपर्ट्स का एक पैनल बनाया था। पंजाब की इकोनॉमी की दशा को सुधारने के लिए अपने सुझाव देने थे। अब जब इस एक्सपर्ट पैनल ने अपनी अंतरिम रिपोर्ट सरकार को भेजी है तो रिपोर्ट में दिए गए सुझावों का विरोध होने पर मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने कहा कि हम इन सुझावों पर अमल नहीं करेंगे। राहुल का केंद्र पर तीखा हमला। कहा, लद्दाख में चीनी इरादों का सामना नहीं करना चाहती सरकार। कांग्रेसी नेता राहुल गांधी ने एक बार फिर लद्दाख में चीनी घुसपैठ को लेकर केंद्र की मोदी सरकार पर हमला बोला है। राहुल चीनी घुसपैठ को लेकर लगातार केंद्र पर हमलावर बने हुए हैं। 14 अगस्त शुक्रवार को उन्होंने फिर एक ट्वीट कर सरकार पर तीखा हमला बोला है। उन्होंने अपने ट्वीट में लिखा कि सरदार लद्दाख में चीन के इरादों का सामना नहीं करना चाहती। चंद्रयान 2 ने चंद्रमा पर क्रेटर की तस्वीर खींची। इसरो ने विक्रम साराभाई का नाम दिया। चंद्रयान 2 ने चंद्रमा की तस्वीरें कैद की हैं और उसके एक क्रेटर का नाम भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम के जनक विक्रम साराभाई के नाम पर रखा गया है। एक बयान में शुक्रवार 14 अगस्त को ये जानकारी दी गई। प्रधानमंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने कहा कि साराभाई का जन्म शताब्दी वर्ष 12 अगस्त को पूरा हुआ और ये वैज्ञानिक को एक श्रद्धांजलि है। अमरीका ने उड़ाई रूसी वैक्सीन की खिल्ली। कहा, बंदरों पर भी नहीं करेंगे प्रयोग। जहां एक तरफ रूस ने कोरोना वायरस की वैक्सीन बना लेने का दावा किया है तो वहीं अमरीकी अभी भी इसे मानने को तैयार नहीं है। इसी बीच खबर आई है कि अमरीका ने रूस की वैक्सीन स्पुतनिक वी का मजाक उड़ाया है। साथ ही कहा है कि वह इस दवा का प्रयोग बंदरों पर भी नहीं करेंगे। इंसान तो दूर की बात है। CNN की एक रिपोर्ट के अनुसार अमरीका में रूस की वैक्सीन को आधा अधूरा माना गया है, इसलिए इसे गंभीरता से नहीं लिया जा रहा। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब टुडे टीवी। If you like our channel, please subscribe, and to get notifications about news, please click the bell icon.